नंबर थ्री, थ्री में क्या कहता है भाई, विच अपियर्स इन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ लिमिटेड कंपनी, क्या चीज़ अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है। रिपीट हो रहा है, अभी हमने बात की अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा नाम है किसके लिए, पुराना नाम है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के लिए। चेंजेस इन इक्विटी में अच्छा क्या चीज़ आएगी, पहले पूछा था क्या चीज़ नहीं आएगी, विच अपियर्स इन द अप्रोप्रिएशन। यार अगर आप देखो डेबेंचर का इंटरेस्ट नहीं आता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्यों? डेबेंचर का इंटरेस्ट किसके उस रिलेटेड है, वो डेबेंचर का इंटरेस्ट जो है वो डेबेंचर का इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, चेंजेस इन इक्विटी अप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं। डायरेक्टर की सैलरी भी किधर आएगी, इनकम स्टेटमेंट में आएगी, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड ये भी इनकम स्टेटमेंट में आएगी, अगर कोई अदर इनकम मिल रही है अदर इनकम। और जो डिविडेंड है वो कहाँ आएगा, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। डिविडेंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका नया नाम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आता है डिविडेंड। सही भाई, जितने भी ट्रांजैक्शन ऐसे याद रखो ओनर्स से रिलेटेड है, शेयर होल्डर्स से रिलेटेड है, वो आते हैं चेंजेस इन इक्विटी में। और जितने ट्रांजैक्शन थे आउटसाइडर्स से रिलेटेड वो कहाँ पे आएंगे, जैसे डेबेंचर का जो इंटरेस्ट है, डेबेंचर तो लोन है ना, लोन तो आउटसाइडर है, वो इनकम स्टेटमेंट में आएगा। डायरेक्टर भी आउटसाइडर है, डायरेक्टर मालिक नहीं है कंपनी के, डायरेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं।